आज के वक्त में भी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका फोन हैक तो नहीं हो गया, वायरस तो नहीं आ गया, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया, ट्रैक तो नहीं हो रहा। लोग बहुत डरते हैं आज भी। मेरे एक क्लासमेट है, बहुत वो पता नहीं बहुत डरता है इन सब चीज़ों से। उसका फ़ोन अगर हल्का से बैटरी जल्दी से ख़त्म हो जा रहा तो वो ऐसा हो जाता है, अरे मुझे लगता है मेरा फ़ोन किसी ने हैक कर लिया, कोई मेरी बातें सुन रहा है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो आदमी क्या करता है ऐसा फ़ोन में कि उसको इतना डर लगता है कि भाई उसको कोई हैक कर रहा है। अरे पता ये है, अभी नहीं हुआ है, मतलब हम स्कूल में से जब नोकिया का फ़ोन यूज़ कर रहे थे तब से उसको डर है। तो मैंने ये सोचा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे पता करें कि शायद आपका फोन हैक हो चुका है या उसमें वायरस आ चुका है या शायद आपको कोई। सबसे पहली चीज, क्या आपने किसी के देने पर कोई एपीके डाली है या किसी अननोन जगह से अनट्रस्टेड सोर्स से एपीके इंस्टॉल की है? मेरे केस में अगर मुझे सोनू भैया कोई एपीके देते हैं और मैंने अपने फोन में डाल ली तो फिर कोई और जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। साधारण सी बात है कि मेरे फोन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो अगर आप गलत जगह से, अननोन सोर्स से, अनट्रस्टेड जगह से कोई एपीके डाल रहे हैं तो ये पहला एक साइन हो सकता है कि शायद आपका फोन कॉम्प्रोमाइज या हैक हो चुका है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी एप्लीकेशन डालनी है वो प्ले स्टोर, गूगल के प्ले स्टोर से डालनी चाहिए जो सेफ एंड ट्रस्टेड होती है, और कहीं से भी एपीके नहीं डालनी चाहिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं। क्या आपका इंटरनेट, जो GB मिलते हैं आपको, वो जल्दी खत्म हो रहे हैं? आपको ये लगता है कि आप 1.5 GB इस्तेमाल नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, मतलब ऐसा तो आप कुछ खास नहीं कर रहे हो फिर भी क्यों खत्म हो रहे हैं? तो ये एक इशारा हो सकता है कि आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, वो किसी हैकर से कनेक्टेड है और आपका डेटा सब जा रहा है। काफी केसेस में ये ऐसा नहीं भी होता और आप बहुत रील्स देखते हैं तो उसमें भी डेटा चला जाता है। आपको तो रील्स ऐसे लग रही होती है, ऐसे लग रही थी, कोई रील पसंद नहीं होती तो आप उसे स्वाइप अप कर देते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपका फोन उस कंप्लीट रील को डाउनलोड कर लेता है, चाहे आप उसे देखें या ना देखें, तो उसमें डेटा तो लगता ही है। और आजकल लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी में रील्स देखना ही पसंद नहीं करते और आती भी नहीं है, सब HD में आती है, उसमें डेटा जाता है। और 1.5 GB आजकल की कंजम्पशन के हिसाब से कुछ भी नहीं है, शायद इस वजह से भी खत्म हो जाता हो। लेकिन इसकी एक वजह भी हो सकती है कि आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आपने किसी को कोई मैसेज भेजा ही नहीं लेकिन उसको वो मैसेज जा रहा है। राधा खो गई। इस तरह के मैसेज जा रहे किसी को, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये भी एक आप साइन समझ सकते हैं कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, किसी गलत हाथ में लग चुके हैं। और कई बार आपके सोशल मीडिया अकाउंट जब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो इसका ये सीधा मतलब नहीं होता कि आपका फोन भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी अगर कोई चीज़ हो रही है तो एक सस्पिशियस चीज़ है, इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कोई भी डिवाइस या अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक पर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप जो कि फेसबुक पर ही काम करती है, जैसे आप पिछले जन्म में क्या थे, आप कौन से एक्टर की पर्सनालिटी से मैच करते हो, इस तरह के गेम्स होते हैं, काफ़ी फैंसी गेम्स और इंटरेस्टिंग होते हैं, बट अब तो कोई नहीं खेलता उन्हें, बट अगर खेलते हो तो वो भी आपके अकाउंट का एक्सेस ले लेते हैं और इस तरह से जो एडवर्टीजमेंट है या फेक लिंक्स हैं वो आपके कॉन्टैक्ट में स्प्रेड कर देते हैं। तो ये भी एक तरह के कॉम्प्रोमाइज़ होना ही होता है। अगर ऐसा है तो आप समझ जाना कि भाई आपका फ़ोन या अकाउंट हैक हो चुका है। क्या आपके फ़ोन की बैटरी कम चल रही है? देखो, अब लिथियम आयन बैटरीज जो हैं, लिथियम पॉलीमर बैटरीज जो हैं, वो वक्त के साथ मंदी पड़ जाती है, मतलब उनकी लाइफ होती है एक, है ना, हमेशा नहीं चल सकती वो तो समझ में आता है कि धीरे धीरे वो डिग्रेड होती है। लेकिन अचानक से आपने नोटिस किया है कि आपके फ़ोन की बैटरी थोड़ी जल्दी ख़त्म हो रही है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अगर आपका फ़ोन किसी सर्वर से कॉन्स्टेंटली कनेक्शन कर रहा है, राइट, तो वो कनेक्शन कर रहा है तो डेटा भी जाएगा, है ना, आपके रिसोर्सेज भी फ़ोन के ज़्यादा यूज़ होंगे, आपका CPU यूसेज बढ़ जाएगा, RAM यूसेज बढ़ जाएगा। जब किसी भी सिस्टम और कंप्यूटर में रिसोर्सेज का वो यूज़ बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी बैटरी कम चलने लगती है। तो अगर आपकी बैटरी कम चल रही है तो ये एक साइन हो सकता है कि आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। आप फ़ोन में कुछ भी कर रहे हो तो आपको ऐड नज़र आ रहे हैं, मतलब एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन को भी यूज़ करने पर ऐड आ रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप, मैसेंजर, गैलरी, इन सब पे जाने में आपको ऐड नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई स्पाईवेयर ऐप है जिसे एक कॉम्प्रोमाइज़ होने का वही बोल सकते हो, क्योंकि आपके परमिशन के बिना आपके फ़ोन में कुछ आ रहा है, दिखाया जा रहा है, तो वो एक तरह की गलत चीज़ ही, हालांकि इसको फुली कॉम्प्रोमाइज़ होना तो नहीं कहेंगे, बट एक स्पाईवेयर का अटैक आप कह सकते हो।
अगर आपके फोन में ऐसा हो रहा है तो भी आप ये लगा सकते हो कि भाई किसी ने गलत तरीके से आपके फोन में कोई एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। अब ये बहुत ही मुश्किल है पहचानना, क्योंकि आजकल की जो UI है स्मार्टफोन्स की वो एड्स दिखाती हैं, तो आप पता नहीं लगा सकते कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है या ये आपके UI का एक डिसएडवांटेज है। लेकिन जो भी होगा, एड्स नजर आ रहे हैं ज्यादा, तो इससे ये भी एक साइन है कि आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। गूगल सर्च करते हो या किसी भी सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करते हो, वहां पर वो रिजल्ट नहीं आते जो पहले आया करते थे, या ट्रस्टेड वेबसाइट सामने नहीं आ रही है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, जब हम कुछ सर्च करते हैं तो जो हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं वो हमारे सर्च रिजल्ट में आती है। जैसे अगर आप मेरा नाम सर्च करोगे या टेक्निकल सागर लिखोगे तो मेरे YouTube का लिंक आएगा, मेरे कोर्सेज का पेज आएगा, मेरी वेबसाइट का लिंक आएगा गूगल पे, तो ये एक नॉर्मल रिजल्ट है। अगर मेरा फोन या मेरा कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, मेरे ब्राउजर के साथ छेड़खानी हुई है, तब मैं अगर टेक्निकल सागर सर्च करूंगा तो उसमें टेक्निकल सागर से रिलेटेड कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अजीब अजीब रिजल्ट आएंगे जिसका टेक्निकल सागर से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत सारे एड्स नजर आएंगे सर्च रिजल्ट में जो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो ये सीधा यही और इशारा करता है कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और जो सर्च रिजल्ट आपको दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअली सर्च रिजल्ट नहीं है, एक शेडी वेबसाइट की लिस्ट है जिस पर वो लोग चाहते हैं बुरे लोग कि आप उन पर क्लिक करें, देन एडवर्टीजमेंट देखकर उनको पैसा कमा कर दें। तो अगर आपके सर्च रिजल्ट थोड़े से अलग हो गए हैं, इररिलेवेंट हो गए हैं, तो ये भी एक इशारा है कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अब देखो, एक अवधारणा और है कि जब फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फोन आपका हैक हो गया, तो आपका ना फोन स्लो हो जाता है। देखो, ये आजकल नहीं होता, पता है क्यों? क्योंकि वो जमाना अलग था, उस समय मोबाइल फोनों में 2GB रैम, 1GB रैम हुआ करता था, 1GHz का प्रोसेसर, बहुत स्लो प्रोसेसर हुआ करते थे, तो ऐसे में वो सिर्फ एक या दो ऐप चलाने के लिए होते थे बैकग्राउंड में, तो उसमें अगर वायरस आ गया या उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया वो, तो वो स्लो हो जाया करता था। आजकल के डिवाइसेस बहुत पावरफुल हैं, अगर उसमें बैकग्राउंड में चीज़ें चलती भी रहें तो वो आपको पता नहीं लगने देते। हाँ, थोड़े बहुत साइन आपको पता चलेंगे, जैसे बैटरी कंजप्शन बढ़ जाएगा, पावर, आपका डेटा यूसेज बढ़ जाएगा, उसके अलावा आपका फ़ोन स्लो नहीं होगा, तो आजकल आप इससे पता नहीं लगा सकते। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आपका डिवाइस स्लो नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेफ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बैकग्राउंड में कुछ चल रहा हो चीज़ें जो आप नहीं चाहते, अनवांटेड वायरसेस, स्पाईवेयर, शेडी एप्लीकेशंस, कुछ भी हो सकता है, और फिर भी सालों साल आपको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। आपके फोन में माइक्रोफोन एक्सेस की ग्रीन लाइट या कैमरा एक्सेस की ग्रीन लाइट जलती रहती है जबकि आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे। एंड्रॉयड ने ना एक बहुत बढ़िया चीज की है कि जब भी आपके फोन का माइक्रोफोन यूज होगा, माइक या कैमरा यूज होगा, तो वहां एक डॉट आ जाएगी ऊपर ग्रीन कलर की, और वो आपको नोटिफाई करेगा दैट योर फोन इज यूजिंग कैमरा और माइक्रोफोन। अगर तो ये चीज तब आती है जब आप कोई ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो जो वाकई में आपके माइक का एक्सेस लेती है कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, या तो आप सेल्फी वगैरह लेते हो या कैमरा एक्सेस लेते हो, तब तो ये नॉर्मल बात है। अगर ये तब आने लगे जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फोन में आइडल स्टेट में है, इसका मतलब बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन है जो आपके कैमरा का एक्सेस ले रही है, बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन है जो आपके माइक से आपको सुन रही है। ये भी सीधा यही इशारा करता है कि आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसमें वायरस आ चुका है या वो हैक हो चुका है, तो इससे भी पता लगा सकते हो आप। अगर आपको बहुत सारे OTP आ रहे हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये भी इस ओर इशारा करता है कि आपका फोन हैक हो चुका है, क्योंकि कोई आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मली जब आपके पास OTP वगैरह आते हैं तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि 2-factor ऑथेंटिकेशन है, कोई अगर ट्राई कर भी रहा है तो आपका OTP आप नहीं शेयर करोगे, तो यू आर सेफ। और अनऑथराइज्ड एक्सेस का अगर किसी ने एक्सेस कर लिया है कि यहां से आपका अकाउंट एक्सेस हुआ है, तब ये बहुत सोचने वाली बात हो सकती है। गूगल हालांकि बहुत सिक्योर है, बट ऐसा नोटिफिकेशन आने पर आपको कंप्लीटली पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेना चाहिए, लॉग आउट कर लेना चाहिए, अपने रिकवरी के जो भी मोड्स हैं, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उन सबको एक बार और क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। ये सारी सेफ्टी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखो, आपको पता चल गया कि भाई अगर आपका फोन हैक हो गया तो आपको ये सब होगा। अब सवाल ये उठता है कि इससे बचना कैसे है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले, अगर आपके फोन में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है उसे बैकअप कर लो और अपने फोन को फॉर्मेट मार लो, सिंपल एज दैट। ऐसा फॉर्मेट करके आप अपने पूरे ड्राइव को क्लियर कर लो, मेमोरी कार्ड वगैरह से क्लियर करो। कई बार होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, उसको हटा लो, अलग कहीं रख लो, कहीं पेनड्राइव में डाल लो, किस पर डाल लो, लैपटॉप में डाल लो, कहीं डाल लो, और बाकी अपने फोन को पूरा फॉर्मेट मार दो और वही एप्लीकेशन इस्तेमाल करो जो ट्रस्टेड है, अच्छी हैं, ब्रांडेड हैं, बड़े बड़े नाम हैं। शेडी एप्लीकेशन उन सबको आपको इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि कई बार यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी सब फालतू चीज़ों से। दूसरी चीज़ कि आप अगर कोई ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हो तो ट्रस्टेड अच्छा ब्राउजर इस्तेमाल करो और फिर आप सेफ रहोगे।
अगली चीज ये है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सबको क्रॉस चेक कर लो कि उसमें रिकवरी में आपके ही फोन नंबर और ईमेल है या नहीं। पासवर्ड्स वगैरह सारे चेंज कर दो, हर जगह से लॉग आउट कर दो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दो। अगली बार ध्यान देना कि किसी के कहने पर कोई APK इंस्टॉल वगैरह मत करना। अगर आप ये सब करते हो तो भी आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हो, तो अगली बार किसी के बोलने पर ये सब इंस्टॉल मत करना। अगर आपका अकाउंट कोई आपको लगता है कि आप उससे एक्सेस खो चुके हो तो आप उस वेबसाइट पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हो। आपको ID वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी अपनी, और आप बोल सकते हो कि मेरा फेक अकाउंट है या मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, इसे डिलीट करें या एक्सेस मुझे दे दें। नॉर्मली ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स आपकी मदद करेंगी, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी हेल्प करती हैं आपकी, गूगल भी हेल्प करता है, और आपके अकाउंट को आप रिकवर कर सकते हैं, अपना हासिल कर सकते हैं अगर आपका इन केस हैक वगैरह हो गया है तो। अगर आपने अपने फ़ोन को रूट कर लिया है, जो कि बहुत हाईली अनलाइकली है, आजकल कोई नहीं करता, बट अगर आप करते हो तो भाई आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट अपना जो भी कस्टम रोम है वो सब बदलना पड़ेगा। क्योंकि एक फ़ोन अगर रूट ना हो तो वो बहुत ईजी होता है उसको पूरा रिफ्रेश करना, फॉर्मेट करना। रूट करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस मिलता है इंटरनल फाइल्स में, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि सेफ्टी और उसके लिए आप मत करो कस्टम रोम इस्तेमाल। करते भी हो और आप उसमें वायरस आ गया तो भाई रोम चेंज करके देख लो, नया रोम के देगी, ये सब एक्सपर्ट वाले लोगों की बात है। बाकी सारी ये सब नॉर्मल चीज़ें आप अगर करोगे तो आप सेफ रह सकते हो। और ज़्यादा सेफ रहना चाहते हो तो जियो सिक्योरिटी एक फ्री एंटीवायरस मोबाइल के लिए आता है, उसे आप डाल सकते हो। हालांकि एंड्रॉयड में एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी अगर आप डाल लो तो आपको पता रहेगा कि कौन सा कनेक्शन आपका फ़ोन कौन से सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशन डेटा ले रही है, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड की जो स्टैटिस्टिक्स हैं आप उससे चेक कर सकते हो कि भाई कहीं फालतू जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा जो भी है। कई बार ऐसा होता है कि आपका वाईफाई जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो राउटर में कोई दिक्कत आ गई है, या आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वही आपके साथ खेल रहा है। अगर ऐसा है तो भाई आपको वो चेंज कर देना चाहिए। ये कब होता है पता है? जब आप लोकल ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हो। वो लोग बड़े ऐसे होते हैं, वो एड्स वगैरह ज़्यादा दिखाते हैं तो उसमें भी आपके फिर फ़ोन में ऐड वगैरह आते हैं, तो आप एक ट्रस्टेड ब्रॉडबैंड सप्लायर के पास जाओ। हालांकि लोकल पे जा सकते हो पर थोड़ा देख लो यार उसकी रेपुटेशन कैसी है। केवल लोकल ब्रॉडबैंड वाले आजकल बड़ी शैतानी कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा ध्यान में ही रहना आप उसको इस्तेमाल करते हुए, ठीक है? ट्रस्टेड वाईफाई का इस्तेमाल करना। अब जो आपके फ़ोन में ऐड वगैरह आ रहे हैं जैसे, तो वो कई बार मैंने जैसे बताया कि MIUI वगैरह ये सब जैसे UI हैं आजकल चाइनीज़ फ़ोनों के, वो भी ऐड वगैरह के दिखाते हैं, तो उस वो एक्चुअली आपका फ़ोन हैक नहीं हुआ है, बस वो आपको एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं पैसा कमाने के लिए बस वही है। तो मैंने आपको बता दिया। और भी अगर आप कोई टिप्स चाहते हैं ऐसी, जानना चाहते हैं इसके बारे में और आप कैसे सेफ़ एंड सिक्योर रखें, मैं यहाँ पर हर एक सोशल मीडिया वेबसाइट के हिसाब से सेफ्टी सिक्योरिटी टिप्स बना सकता हूँ, पर मैं एक वीडियो में वो सब बात नहीं कर सकता, बिकॉज वो 2-3 घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाएगी जो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। आप कमेंट सेक्शन में बता दो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबको कैसे सेफ एंड सिक्योर करते हैं, कैसे सेफ्टी रखते हैं उन सब की, मैं एक एक करके वीडियो बना दूंगा अगर कमेंट आएंगे और उन पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे। क्योंकि जब आप लोग चाहोगे तभी तो मैं बनाऊंगा, अपने आप में बनाता रहूंगा, कोई देखना नहीं चाहता तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे पता करें कि आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, और आप उसे कैसे सेफ़ एंड सिक्योर करें ताकि आपके डेटा, आपकी प्राइवेसी इंटैक्ट रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।